हे गाइस वेलकम टू ग्लैम हब। हम अपने बालों के लिए हमेशा कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो हमारे बालों के सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दे और हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बना दे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे हेयर प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी और इन सभी प्रोडक्ट्स को आप अपने डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के हेयर हैक को। बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए हफ्ते में 2 दिन हेयर ऑयलिंग करना चाहिए। तो आज मैं ये पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल से हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे हेयर को स्ट्रांग बनाता है। हेयर ऑयल को अप्लाई करते टाइम अपने स्कैल्प को 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और आपके बाल बहुत ही मजबूत बनेगी। हेयर ऑयलिंग के बाद अब बारी आती है इस हेयर स्प्रे की। इस हेयर स्प्रे को मैंने क्यूकम्बर जूस और लेमन जूस से बनाया है। इस सॉल्यूशन को कैसे बनाना है इसके वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसके जगह पे सिर्फ लेमन जूस को ही अपने स्कैल्प में और हेयर में अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको जो भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपके बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी बनेगी। हेयर फॉल के मेन प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प में होती है, तो हमारे स्कैल्प को डीपली क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होती है। ये सोल्यूशन हमारे स्कैल्प को डीपली क्लीन करने में मदद करेगी जिससे हेयर फॉल बहुत ही कम होगी। इस सोल्यूशन को आपको 15 से 20 मिनट्स तक छोड़ देना है, इसके बाद आप शैम्पू कर सकते हो। अब बारी है शैम्पू करने की। तो शैम्पू करने के लिए पहले हम नॉर्मल वाटर से अपने बालों को अच्छे से गीला कर लेंगे, इसके बाद ही हम शैम्पू को अप्लाई करेंगे। आज हम वाओ एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू अप्लाई करने वाले हैं। इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो हमारे स्कैल्प की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। इस शैम्पू की बेस्ट बात यह है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसे कि सल्फेट, सिलिकॉन, जो हमारे हेयर को डैमेज करता है। शैम्पू को अच्छे से करने के बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से अच्छे से धो लीजिए। शैम्पू करने के बाद अब बारी आती है कंडीशनिंग की। तो कंडीशनिंग करने के लिए मैं आज वाओ का कोकोनट कंडीशनर को अप्लाई करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, ये हमारे ड्राई और फ्रीजी बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में मदद करता है। आप इस कंडीशनर को अप्लाई करके कम से कम 10 टू 15 मिनट्स तक छोड़ सकते हो। इससे आपके बाल और भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। मैंने सिर्फ इसे 2 मिनट ही रखा था, इसके बाद मैंने नॉर्मल वाटर से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है हेयर को। अब बारी है हेयर मास्क की। तो आज मैं ये हिमालय प्रोटीन हेयर मास्क को अप्लाई करने वाली हूँ। ये क्रीम मेरे पर्सनल फेवरेट है। इसमें चिकपी का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। अगर आप स्पा क्रीम को इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि स्पा क्रीम में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। स्पा क्रीम हमारे हेयर को सॉफ्ट तो बनाता है पर बाद में इससे हमें हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है। ये क्रीम स्पा क्रीम की तरह तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी पर इससे बाल काफ़ी हद तक सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। इस क्रीम को रूट से टिप्स तक अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट्स तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बाल को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। इस हैक में दिखाए गए सारे स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए और इससे आपके बाल लंबे, घने, मजबूत बनेंगी और आपके हेयर में जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए हमें अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना तो ज़रूरी है पर उसके साथ साथ ही हमारे डाइट को भी इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फूड जो अपनी डेली डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो और इससे आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। आप अपनी रोज़ाना के डाइट में कोकोनट जूस को ऐड कर सकते हो क्योंकि ये हमारे सेल ग्रोथ में मदद करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिंस और मिनरल्स, विटामिंस बी और पोटेशियम होता है जो हमारे हेयर को नरिश्ड और हेल्दी बनाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे ड्राई और फ्रिजी हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है और डैंड्रफ से भी रोकता है। आप नारियल के पानी की जगह आप कैरी भी खा सकते हो, ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप अपनी डेली डाइट में आंवला भी ऐड कर सकते हो, आंवला के जूस या फिर आंवला कैंडी भी खा सकते हो। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिंस और मिनरल्स होता है जो हेल्दी हेयर ग्रोथ करने में मदद करता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो कोलेजन प्रोटीन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये डेड स्किन सेल्स को रिप्लेस कर देता है जिससे न्यू हेयर सेल्स ग्रो होती है और जिससे हमारे हेयर रूट्स मजबूत बनते हैं, हेयर के कलर बॉडी इम्प्रूव होती है। और एक आंवला में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कम से कम 17 पोमेग्रेनेट के बराबर है। तो डाइट में एक आंवला ज़रूर लीजिए, वो आप जूस में लें या फिर कैंडी के रूप में लें पर ज़रूर लीजिए। इससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी।